के लिए निकले हो, तो हम आपसे यही आशा करते हैं हम सभी कि आपकी यात्रा मंगल में हो, यही हमारी आपको शुभकामनाएं। ठीक है, जय जय श्री राम माता की। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं कि आप और ऐसे ही आप भ्रमण करते रहें और समाज को मजबूती प्रदान करने हेतु आप प्रयास करते रहें। जी जी, क्या कहना है सर? बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से आपको कि आपके युवा जैसे आपके जैसे युवा साथी देश के लिए जैसे घर से निकल के टाइम देखकर भी अपना पूरा परिवार छोड़ के देश को मजबूती दिलाना चाहते हैं, और मोदी जी के साथ में हम अग्रिम बधाई देते हैं आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कुछ कहना है सर? बढ़िया भाई साहब, हमें खुशी हुई कि आप जैसे युवा भारत माता के लिए अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं, हिंदुत्व का मतलब प्रचार कर रहे हैं, और मोदी जी के लिए आप पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कुछ कहना है सर? और हमारे महामंत्री जी, अध्यक्ष साहब, आप जो भ्रमण पे निकले हैं, पूरे भारत के भ्रमण के लिए सेन समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे सेन समाज के युवा जो भारत के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर। सर, क्या कहना है आपका, बताइए। आप भाई साहब जो भारत भ्रमण के लिए निकले हो, आपकी यात्रा सफल हो, जो मकसद हो सफल हो, हिंदुत्व के लिए आप निकले हो, मोदी जी के हिसाब जो भी है आपकी जागृति होगी और आप साथ रहे, बहुत तो होगी। आप सेन समाज के लिए निकला हूँ। हाँ, आप सेन समाज से निकले हो, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, क्या कहना है सर? धन्यवाद। आप घर बार छोड़ के देश के लिए निकले हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना है सर, बताइए। आप छत्तीसगढ़ से निकले हो, हमारे भाजपा परिवार के सदस्य हो आप जी, और हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र में हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए और साथ साथ में आपके समाज को भी हिंदू विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने के लिए आप ये भारत वर्ष में पूरे भ्रमण के लिए निकले हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी जी, कैसे हैं सर? पेशाब, आप भारत भ्रमण के लिए निकले हो, हम संघ परिवार से बहुत धन्यवाद है आपको जी। और हमारा आगे 400 पार तो हुई नहीं है, मगर आगे हमारा हिंदू राष्ट्र की हम तमन्ना जरूर होगा। हम तो बीजेपी से बना दिए छत्तीसगढ़ में। अच्छा, आप तो बना दिए, हमारे इधर नहीं बनी है, आपके यहाँ बनेंगे। और हमारे नव युवक साथी, क्या कुछ कहना है? आपकी यात्रा सफल में हो, और आप हमारे प्रेरणा बने आप। मातरम। सर, यात्रा में पिछले 2 महीने से लिख रहा हूँ मैं, सेन जन जागरण यात्रा में लिख रहा हूँ, और सेन समाज के अलग अलग भिन्न भिन्न लोगों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या कुछ कहना है सर? आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि आज पूरे भारत भ्रमण के लिए आप निकले हो, पूरे समाज को एक नहीं, वो आपकी तो भाजपा की बस्ती का, और आप अबू पिंडवाड़ा विधानसभा भाजपा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। दौरान पिंडवाड़ा में हूँ, जो राजस्थान के लास्ट सिटी है, आगे फिर यहाँ से गुजरात एंट्री करूंगा, और यह समाज का धरोहर स्थल है, पीछे देख सकते हो मंदिर है यहाँ पे, भगवान कृष्ण जी की मूर्तियाँ और बाबा सेन जी महाराज के भी है, और ये धरोहर स्थल देख सकते हो पूरा, इसका दर्शन करवाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा, तो मेरे साथ बने रहेगा, और ये समाज के सारे लोग हैं, गणमान्य लोग जो आज मुझे स्वागत किए, यहाँ पे इनवाइट किए। रास्ते से गुजर रहा था तो लोगों को पता चला भाई साहब को, तो उन्होंने प्रदीप जी ने इन्वाइट किया यहाँ पे, और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, समाज के गणमान्य लोग को, ऐसी समाज एकजुट हो ताकि हमारे देश में समाज का नाम रोशन हो, और आगे बढ़ चढ़ के भाग ले, चाहे राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे समाज से कोई भी कार्य में हो। थैंक यू सो मच। तो सो गाइस, ये है मंदिर। ये है बाबा जी का मंदिर है, यहाँ पे संगीत वगैरह चल रहा है। ये यही था बस। अच्छा, कौन महाराज बताए? करुणानंद जी। अच्छा, पूरा नाम करुणा, ये इन्होंने जी ने यहाँ पे तपस्या किया, और तपस्या करके इसको संयोजन किया पूरा। अच्छा।
सिंह जी।